Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में 15 से ज़्यादा जिलों में गोली चलने, बम फटने, मारपीट की हिंसक घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर जहां विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश पर पप्पू यादव क्या बोले हैं? उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव योगी सरकार से ज़्यादा अखिलेश यादव पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। पप्पू यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीज सड़क पर चिरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल कई जिलों में हिंसा हुई। इस दौरान कई जगह पथराव किया, गोलीबारी और बमबारी की खबरें भी आई। पार्टी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। इतना सब होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट करते रहे। इसी को लेकर पप्पू यादव की काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सड़क पर उतर कर संघर्ष करना चाहिए। लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक के कपड़े फाड़े गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी जिले में महिला प्रस्तावक के कपड़े फाड़ दिए गए। पसगावां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। यह घटना तब हुई जब वह नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे। उनका नामांकन पत्र छीन कर फाड़ दिया गया। इस घटना का जिक्र पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में किया है। बात करें तो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के जेल में बंद हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।